मेलबर्न इस वक्त हमारे संवाददाता विनोद लांभा हमारे साथ जुड़ गया है। विनोद, शायद रोहित ने कसम खा ली है कि जब जब आलोचना होगी और उनके प्रदर्शन को लेकर सवाल उठेंगे, उनके रन ना बनाने को लेकर सवाल उठेंगे, वो इस तरह से अपने आलोचकों का मुंह बंद करेंगे। चित्रा, देखिए राजीव ने उन्हें एक बहुत अच्छा नाम दिया है, स्लीपिंग ब्यूटी। एक इंटरव्यू किया था वर्ल्ड कप से पहले और मुझे लगता है कि स्लीपिंग ब्यूटी जब ही जागती है, जब मौका बड़ा होता है। पूरी फैमिली है, इन लोगों के लिए जाना, इन लोगों के पास जाना बहुत अहम है, क्योंकि खुद धोनी ने आईसीसी के प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट की थी कि सब लोग आए, पूरी फैमिली के साथ आए, पूरा मैच का एंजॉय किया। आप लोगों बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया, शनाया ने भी बहुत एंजॉय किया। जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा। रोहित के बारे में क्या कहेंगे? रोहित बहुत बड़ा स्कोर नहीं निकला था, सेंचुरी आप मार दिया। देखिए रोहित ने बहुत हिसाब से खेला, अच्छे से खेला और पूरा विकेट्स बचा के खेला। इंडिया के पास अगर टॉप ऑर्डर डाउन हो जाते तो अभी मैच आधा है, पूरा उम्मीद है कि कुछ फेरबदल हो सकता है। नहीं, कोई फेरबदल नहीं हो सकता, इंडिया ये मैच जीत चुकी है और इंडिया अब पाकिस्तान को सेमीफाइनल में हरा के वी आर गोइंग टू विन द वर्ल्ड। पाकिस्तान का तो कंफर्म नहीं है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है कि ना बॉस्टन। नहीं नहीं, इंडिया ही कप उठाएगी इस बार और रोहित हर बार सेंचुरी। आप लोग मेलबर्न में से? मैम कहाँ से आप लोग? मेलबर्न, कोलिन स्ट्रीट। अच्छा, तो अब क्या उम्मीद कर रहे हैं? टिकट वगैरह अरेंज कर लिए कि जो NS10 शुरू हो गया टीम इंडिया का मेलबर्न से जो शुरू होता है, बाया सिडनी यूटर्न लेते हुए वापस मेलबर्न, तैयारी वगैरह कर ली है आप लोगों ने? परिवार के साथ जा रहे हैं मैच देखने? बिल्कुल पूरी तैयारी कर ली है, तैयारी करेंगे। मौका मौका, जय हो जाए कुछ टीम इंडिया के लिए। टीम इंडिया जिंदाबाद, टीम इंडिया कप हमारा है, हम देंगे नहीं। रोहित की तो तारीफ है ही, और लेकिन इन फैंस की भी तारीफ करनी काफी अहम होगी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में धोनी हो या बाकी सभी खिलाड़ी हो, इस बात का लगातार क्रेडिट देते आ रहे हैं कि इंडियन फैंस ने, खासतौर से जो मेलबर्न में बेस हो, सिडनी में, एडलेड में बेस हो या ऑल ओवर वर्ल्ड से जो ट्रेवल कर रहे हैं, उसका काफी अहमियत है टीम इंडिया की नजर में, क्योंकि एक बार भी ऐसा लगा नहीं कि टीम इंडिया मेलबर्न में खेल रही है, मोहाली में खेल रही है, एडलेड में खेल रही है, अहमदाबाद में खेल रही है। बिल्कुल विनोद, और हमने देखा कि कितने उत्साहित वहां पर फैंस नजर आ रहे हैं टीम इंडिया के, जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचे हैं इस मुकाबले को देखने के लिए। और इस मुकाबले में, क्वार्टर फाइनल के इस अहम मुकाबले में, टीम इंडिया की पकड़ मजबूत होती जा रही है। बांग्लादेश के 5 खिलाड़ी वापस पवेलियन लौट गए हैं।